अग्नि में अभी आज नहीं। ब्रह्मास्त्र भी नाकाम। बस पृथ्वी से आग, पाक से पिछड़ गया हिंदुस्तान। पाक की मिसाइलों को बेशक उधार का हथियार मानकर लोग खिल्ली उड़ाते रहे, लेकिन सच तो ये है कि चीन और उत्तर कोरिया से हासिल मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान की ताकत अब हिंदुस्तान पर भारी पड़ चुकी है। जी हाँ, अपनी फौज को मिसाइलों से लैस करने के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की परेड और सरकारी विज्ञापनों में जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें अभी हिंदुस्तानी फौज के किसी काम की नहीं है। अग्नि, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के बारे में हिंदुस्तान की फौज अब तक यही पता नहीं लगा पाई है कि ये मिसाइलें कितना सटीक निशाना लगा सकती है। ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि हमारी फौज का सबसे कारगर हथियार ये मिसाइलें अभी तक टेस्ट में पूरी तरह पास नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार और सेना का दावा यही है कि हम दुश्मन पर वार और पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। What is we are examining seriously and what available options, what possible options we are examining. I can't say which are the options. अपने सभी विकल्प खुले रखने के मकसद से यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना किसी भी भावी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर रहे। किसी भी हालात के लिए भारतीय सेना की तैयारियों के दावे की हकीकत ये है कि फौज के पास कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलों को छोड़ दें तो भारत के पास दूसरी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो जंग के लिए तैयार हो। वही पाकिस्तान ने अपनी फौज को कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैस कर दिया। पाकिस्तान की मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब समझ में नहीं आता कि मुंबई हमलों के बाद आखिर भारत कौन से विकल्प खुले रखने की बात करता रहा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान की मिसाइलों से ही सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फौज को जिन मिसाइलों से लैस किया है उनसे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। यानी सवाल पाकिस्तान से पिछड़ने का नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हिफाजत का है, जिस पर पहले से ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो।